बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ऑथेंटिक इंडियन फूड रेसिपीज़ में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। आज हम एक वेज रेसिपी वेज 65 गोभी से बना रहे हैं और ये जो है बड़ी टेस्टी और बहुत अच्छी बनती है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। और इसके लिए हमने जो अज़ा ली हैं वो आपको दिखा रहे हैं। इसमें जो है गोभी है, सबसे पहले ये जो है बड़े फूलों को हमने इसमें से तोड़ लिया, यानी कि इसके जो है ये बड़े बड़े पीसेस निकाल लिए हैं और उसको धो के रखा है हमने। इसको हमने क्या करेंगे, हम इसको धोने के बाद में भी धो के रखा हुआ है, पानी हमने बॉईल करने के लिए रखा है, थोड़ा ज़्यादा पानी रखा है, और वो पानी में हम हल्दी और नमक डालेंगे और इसको 2 मिनट के लिए भिगा के, मतलब उसको बॉईल करके और छलनी में निकाल लेंगे और बाद में उसको मसाले लगाएंगे। तो मसालों में हमने सबसे पहले तो लिया है लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच है, ये दरदरी कूटी हुई काली मिर्च है ये भी 1 चम्मच है, ये चाट मसाला है 1.5 चम्मच के करीब है, ये थोड़ा धनिया पाउडर 1 चम्मच और हल्दी जो है वो भी 1 चम्मच है, ये अदरक लहसुन और कड़ी पत्ता ये दोनों मिला के हमने पेस्ट बना लिया है। आधा पेस्ट जो है हम गोभी में लगाएंगे और आधा पेस्ट जो है हम आटे में मिलाएंगे और ये सेम मसाले जो है वो आटे में भी हम थोड़े थोड़े से डालेंगे। ये फूड कलर है, ये ऑप्शनल है, अगर आपको चाहिए तो आप डालें, इससे ज़्यादा कलर बहुत अच्छा आता है, अट्रैक्टिव दिखता है। आटे में डालने वाले ये मसाले हैं, इसमें है अजवाइन 1 चम्मच भर के है, ये काली मिर्च है ये भी कुटी हुई काली मिर्च है ये भी 1 चम्मच है, डार्क सोया है एक छोटा पाउच लिया है हमने, रेड चिली सॉस है ये भी 1 पाउच लिया है, 1 चीज़ क्यूब है। उसके अलावा हमने यहाँ पर ये कड़ी पत्ता लिया है, कड़ी पत्ते को हम फ्राई करेंगे, गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे, और ये पापड़ है, पापड़ को चूरा कर लिया है, थोड़ा सा मोटा मोटा तोड़ लिया है, इसे भी फ्राई करके गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। ये मैदा और कॉर्नफ्लावर ये दोनों भी चीज़ें हैं, तो कॉर्नफ्लावर जो हमने 1/2 चम्मच लिया, 1/2 कटोरी लिया है और मैदा 1 कटोरी लिया है, 200 ग्राम की हमारी कटोरी है, तो उसमें 200 ग्राम ये जो है मैदा है और उसमें 1.5 चम्मच के करीब समझिए कि उसमें कॉर्नफ्लावर है, यानी दोनों भी लेना है, अगर चाहे तो आप चावल का आटा भी उसमें मिक्स कर सकते हैं। फिर इसके अलावा लगेगा हमें नमक और तेल, अब इतनी ही चीज़ें हमें लगेगी और हम इससे जो है ये बहुत अच्छी सी गोभी 65 तैयार करेंगे। नाज़रीन, हमने ये फ्लावर जो है हल्दी और नमक के पानी में 2 मिनट बॉईल किया और उसको छलनी में रख दिया था, अभी ठंडे हो गए हैं और ये बॉईल भी हो गए हैं और ये जो है अभी जब हम इसको फ्राई करेंगे तो कच्चे नहीं रहेंगे, और ये मसाले जो है हम सब उसको मिक्स कर देते हैं। और ये मसाले इस पर अच्छे से लगा देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं, ये बहुत सूखे पीस है, अच्छे से लगना चाहिए, थोड़ा सा नमक और डालते हैं इसमें। नाज़रीन, ये मैदे में हमने चीज़ जो है थोड़ी सी क्रश करके डाली है, हाथ से इसको हमने वो किया है, थोड़ा बारीक किया है, अब इसमें हम ये चिली सॉस तो थोड़ा थोड़ा डालना है, इसके लिए हम पाउच का यूज़ कर रहे हैं, ये अजवाइन और काली मिर्च चीज़ है थोड़ी सी, ये अदरक लहसुन और कड़ी पत्ते की पेस्ट, ये कलर, सोया सॉस थोड़ा डालते हैं, ज़्यादा नहीं डालेंगे, कलर अच्छा नहीं आता, थोड़ा सा नमक, इसको पानी लेके थोड़ा घोल बना लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, ये मैदा और कॉर्नफ्लावर का बैटर हमने तैयार कर लिया है, इसमें सोया सॉस, चिली सॉस, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, अजवाइन, नमक डाल के बनाया है और इसमें चीज़ डाली है और अदरक लहसुन का और कड़ी पत्ते का पेस्ट भी डाला है और ये जो है फ्लावर के पीसेस में हमने पूरा मसाला अच्छे से लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई में जो है तेल डाल दिया है, तेल गर्म हो गया है, उससे पहले ये कड़ी पत्ते जो है हम उसको फ्राई करके निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, ग्रीन ही रखना है उसको, ऑयल में जो है कड़ी पत्ते का फ्लेवर आता है, इसलिए पहले कढ़ाई में हम कड़ी पत्ते रख के निकाल रहे हैं। अब जो है ये पापड़ है, ये पापड़ के भी पीसेस हम रख के निकाल लेते हैं।
ये फ्लावर के पीसेस जो है हम ये गोल में डुबो के तलेंगे। इसको कोट करना है अच्छे से। फ्लेम हमने इसकी स्लो ही रखी है क्योंकि ऑयल हमारा ज़्यादा गर्म है। स्लो पे ही तलेंगे तो क्रिस्प होंगी ये। चीज़ डालने से काफ़ी क्रिस्पी हो जाता है आटा और अच्छे लगते हैं, क्रंची हो जाते हैं। छोटी मोटी पार्टी हो घर में या दावत हो या बच्चों की पार्टी हो तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। ये डिश जो है आप ज़रूर इसे ट्राई करें, तो सबको पसंद आती है और दिखने में भी अच्छी लगती है और खाने में तो बहुत ही अच्छी लगती है। उलट पलट के हम सारे तल लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ज़्यादा ये फ्लावर बहुत अच्छे से क्रिस्प हो गए हैं और चारों तरफ से अच्छे फ्राई हो गए हैं। अब हम इसको निकाल लेते हैं। इतना ही फ्राई करना है और उससे ज़्यादा जलाना नहीं है। ऐसे सारे तल लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो लीजिए नाजरीन, ये हमारी रेसिपी तैयार है। बहुत ही क्रंची, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत टेस्टी ये बने हैं वेज क्रिस्पी 65 या वेज 65 या गोभी 65, आप जो भी कह लें। इसे ज़रूर अपने घर में ट्राई करें। अगर अच्छी लगी हो ये रेसिपी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपनी बहुत सारी दुआओं में मुझे याद रखें। मेरा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।